अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 529 हमें दिया गया है, उसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि दो संख्या जो लास्ट वाली होती है उसको जोड़ो बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कौन सी संख्या से काटेंगे, देखिए दो से काटेंगे। पहले दो से इसलिए काटेंगे क्योंकि जितनी संख्या से हम काटते हैं उसी संख्या से हमें इसमें गुणा करके वो संख्या लिखनी होती है। तो जितनी बार हमने संख्या लिखी है उतनी बार हमें गुणा करके वो पहाड़ा पड़के या संख्या को लिखना है। देखिए दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर कितने जाएंगे, दो दूनी चार। अब पांच में से जब चार जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, एक बच जाएगा, ठीक है। ये माइनस किया है हमने, अब इसमें हम वही संख्या को प्लस करते हैं। तो दो में हमने दो प्लस कर दिया है तो यहाँ दो और दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ये 29 जो लिखा है 29 संख्या इसको हम उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हमने पहले ही जोड़ा बना लिया था तो इन दोनों संख्याओं को हमें साथ में लिखना होगा। अब ऐसी कोई सी संख्या हमें देखना है जो यहाँ रखे तो उसी संख्या से गुणा करने पर 129 आ जाए। तो अब देखिए हमें 41 के साथ क्या करना है, सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं, 1 के साथ देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 के साथ करेंगे, 1 एकम 1, 4 एकम 4, इसके साथ भी नहीं आएगा। फिर हम 2 रख के देखेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 84 आ रहा है जो भी 129 से कम है। फिर हम इसे 3 से करके देखेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 यहाँ आ जाएगा, 3 चुके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, तो 12 हम यहाँ लिख देंगे। तो अब क्या हो रहा है, देखिए ये संख्या और ये संख्या मैच हो गई, तो अब हम यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो 3 इसको हमने यहाँ रख लिया, अब 3 से ही हम इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 बार इसमें गुणा किया, 3 तिया 9 और 3 चुके 12, तो ये पूरी तरह से कट गई। अब यहाँ हम 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 का 4, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इसमें से अब हमें कुछ भी संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देखिए 529 का वर्गमूल, मतलब जो वर्ग संख्या है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे ही लिख सकते हैं बराबर करके 23, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही सरल तरीके से वर्गमूल निकालना सीखा जो कि भाग विधि से हमने किया है। इसे एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम, देखिए हमने क्या किया है, 529 हमें दिया गया था, इसमें प्रोसेस क्या रहती है, रूल्स क्या रहता है कि अंतिम जो दो संख्याएं होती हैं उनका हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट संख्या से मतलब पहली संख्या से हम भाग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया, अब जितनी संख्या हमने यहाँ रखी हम इसको 3 से नहीं कर सकते गुणा, 4 से नहीं कर सकते, जो संख्या हमने यहाँ रखी है ना उसी संख्या से हमें यहाँ पर गुणा करना होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। तो 5 में से जब 4 गए तो यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास, 1 बच गया। अब उसी संख्या को हमने यहाँ प्लस किया तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब इस 4 को हमें हटाना नहीं है, 4 को साथ में लेकर ही चलना है। 4 के आगे हमें कौन सी संख्या रखना होगी कि ये संख्या जब हम यहाँ पर उतारेंगे तो ये संख्या से गुणा करने पर हमें वो संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए तो हमने 3 से किया है यहाँ पर, फिर 3 किया 9, यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया था, 5 में से 4 बच गया था मतलब 1, फिर 29 मतलब 29 हमने साथ में ले लिया तो 129 संख्या मतलब हमारे पास यहाँ थी। अब उसमें हमें गुणा करना था, देखिए 3 किया 9 और 3 चुके 12, तो ये हमें कितनी बार गया, 43 से हमारा 3 बार गया, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया है, माइनस कर दिया है, अब इन संख्या को हम जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 4 का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ और भी कोई संख्या होती तो ये प्रोसेस हमारी आगे तक चलती। तो अब ये यहाँ पर क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है सवाल। तो हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज बहुत ही सरल तरीके से हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।